दोस्तों आज की कहानी है बहू आज खाने में दो तरह की सब्जी और रोटी रायता बना दो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अब ये याद है ना, आज ज्वेलरी शॉप जाना है शुभांगी के शादी के जेवर खरीदने, इसलिए तुम पैसे की व्यवस्था कर ऑफिस से सीधे ही ज्वेलरी शॉप पर पहुंच जाना। संजय जी ने अपने बेटे अभय से कहा, ठीक है पापा, मैं समय से शॉप पहुंच जाऊंगा। इधर पूजा करते करते रमा जी ने अपनी बहू राधा से कहा, राधा आज खाने में दो तरह की सब्जी रोटी रायता पुलाव मीठे में कुछ अच्छा सा बना लेना। रिया और दामाद जी को जेवर की खरीदारी के लिए बुलाया है। दोपहर का खाना खाकर हम सब ज्वेलरी शॉप पर चले जाएंगे। राधा इस घर की बहू 2 साल पहले अभय के साथ साथ फेरे लेकर इस घर में आई थी। घर में सभी थे, सास ससुर, एक छोटी ननद शुभांगी जिसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं, और एक बड़ी ननद रिया और दामाद प्रशांत जी। रिया की शादी उसी शहर में हुई थी और घर की हर छोटी बड़ी बात पर दामाद प्रशांत जी से सलाह ली जाती। घर की दीवारों पर पेंट से लेकर पैसों का इन्वेस्टमेंट सब दामाद जी के इशारों पर होता। राधा को इस बात से कोई आपत्ति भी नहीं थी, पर दामाद जी का जरूरत से ज्यादा दखल देना इसे अखरता था। दामाद के आते हैं उनके उसके सास ससुर के रंग बदल जाते थे। बेटी दामाद के आगे बेटा बहू को पीछे कर देते थे। घर की बहू होकर भी राधा को घर की महत्वपूर्ण बातों से दूर रखा जाता था, परायों सा व्यवहार किया जाता था। बेटा अभय भी अपने माँ पापा की हर बात मानता, अपने ससुराल वालों का ऐसा व्यवहार देख राधा बहुत दुखी होती, क्योंकि राधा ने तो पूरे दिन से घर और रिश्तों को अपनाया था। वह सोचती दामाद जी और उसका रिश्ता इस घर से पहले से तो था नहीं, वह दोनों तो शादी के बाद से ही इस घर के सदस्य बने हैं, तो दामाद पर इतना भरोसा, उनको इतना मान सम्मान, बहू को कुछ भी ना समझा जाए ये गलत है। ठीक समय पर दामाद जी और रिया पहुंच जाते हैं। राधा ने पूरे आदर के साथ उन्हें बिठाया और खाने की व्यवस्था की। खाना खाने के बाद प्रशांत हाथ धोने वॉश बेसिन की तरफ जाता है
तो उसकी नजर अभय और राधा के बेडरूम की तरफ पड़ती है। सुंदर नया कालीन बिछा था और कमरे के किनारे रखा फ्लावर पॉट कमरे की सुंदरता बढ़ा रहा था। और किचन में राधा को काम वाली को भर पेट खाना और रसगुल्ले परोसते हुए भी देख लेता है। प्रशांत व्यंग्यात्मक रूप से हंसते हुए कहता है, लगता है साले साहब के पास बहुत पैसे आ गए हैं, बेहिसाब खर्चा किया जा रहा है। नया कालीन फ्लावर पॉट खरीदे जा रहे हैं, काम वाली को रसगुल्ले खिलाए जा रहे हैं। जी कल दोस्तों के साथ एक एग्जीबिशन में जाना हुआ, वाजिब दाम में अच्छे मिल रहे थे तो खरीद लिए। राधा बिल्ली घर की छोटी मोटी चीज खरीदने के लिए भी क्या आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी? राधा मन ही मन बुद्ध बुदाई, अब मेहनत करने वाले शरीर को तो इतने खाने की जरूरत होती ही है। घर में चार चीज बनी थी तो काम वाली को परोस दी। राधा ने अपना पक्ष रखा, प्रशांत ने अपनी भोए ऊपर नीचे की। दामाद जी के सामने बोलने की क्या जरूरत थी, चुप रह जाती। रमा जी ने राधा को डांटा। थोड़ी देर बाद सब ज्वेलरी शॉप जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। राधा भी तैयार होकर अपने कमरे से निकलती है। चलिए मम्मी जी, मैं भी तैयार हूँ, राधा ने उत्सुकता से कहा। तुम्हें साथ आने की कोई जरूरत नहीं है, दामाद जी और रिया है ना, सब तो संभाल लेंगे। तुम बस घर संभालो और रात के खाने की तैयारी करो, रमा जी सपाट लहजे में बोली। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। वह कमरे में जाकर तकिए में सिर रख कर रोने लगी। ज्वेलरी शॉप में सब पहुंचते हैं, अभ्य पहले से ही वहां मौजूद था। राधा को साथ आया ना देखकर उदास होकर माँ से पूछता है, माँ राधा क्यों नहीं आई? राधा के लिए तो शादी के बाद की पहली और हमारे घर की आखिरी शादी है, उसके भी कुछ अरमान होंगे, उसे साथ लाना चाहिए था। अभ्य दुखी स्वर में बोला, बेटा उसे रात के खाने की तैयारी करनी थी, वैसे भी दामाद जी तो हैं यहाँ, बहू की क्या जरूरत? रामा जी ने कहा। अभ्य ने बात को आगे ना बढ़ाना ही उचित समझा। शादी के कपड़ों की खरीदारी करने बहू को घर में छोड़ बेटी दामाद को साथ ले जाया जाता। राधा मन महसूस कर रह जाती। दो दिन बाद शादी के कार्ड के डिजाइन पसंद करने दामाद जी और रिया आ गए। बेटा अब ये कार्ड के कई तरह के डिजाइन लेकर आ गया, राधा को उनकी सेवा में लगा दिया गया। राधा को डिजाइन देखने तक नहीं बुलाया गया। राधा साई के साथ पनीर पकोड़े प्याज के पकोड़े बना लो, फिर रात के खाने में कोफ्ते की सब्जी पराठे पुलाव की व्यवस्था कर लेना।
राधा गर्मा गर्म पकौड़े साए लेकर आती हैं। दामाद जी कह रहे थे हमें सारे कार्ड अंग्रेजी भाषा में ही सपवानी साइए। राधा उत्सुकता से डिजाइन देखते हुए एक डिजाइन की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये वाला कार्ड सबसे सुंदर है और अंग्रेजी भाषा के साथ साथ कुछ कार्ड हमारी मातृभाषा में भी सपवानी चाहिए। अपनी भाषा में सपे शादी के कार्ड की बात ही कुछ और होती है। राधा ने अपनी राय दी, जब इनकी राय सुननी थी तो हमें बुलाने की क्या जरूरत थी। दामाद जी गुस्से से बोले, तुमसे किसी ने तुम्हारी राय मांगी जो बीच में बोल पड़ी। सासू माँ राधा पर चिल्लाई, राधा से ये परायापन अब नहीं सहा गया। वह बोल पड़ी, मैं भी इस घर की सदस्य हूँ, मुझे भी अपनी राय देने का हक है। विदाई के समय हमसे कहा जाता है कि ससुराल ही तुम्हारा अपना घर है, लेकिन यह बात बात पर परायापन का एहसास कराया जाता है। घर के सारे कामों के लिए बहू याद आती है, लेकिन सलाह मशवरा के लिए बेटी दामाद माँ राधा ठीक कह रही है। घर के दामाद को इज्जत मान देने के खिलाफ नहीं है हम, पर जरूरत से ज्यादा उनके दखल से हमें ऐतराज है। घर की बहू को भी अगर हम अपने निर्णय अपनी योजनाओं में शामिल करेंगे तो वह भी दुगने उत्साह से अपने फर्ज निभाएगी। याद रखे, बहू ही होती है बुढ़ापे की असली लाठी। बहू के त्याग और सेवा को पहचानिए। अभ्य ने शांति से अपनी बात रखी। इस घटना के बाद धीरे धीरे ही सही राधा के सास ससुर ने घर के हर निर्णय में दामाद जी के साथ साथ राधा को भी सहभागी बनाना शुरू कर दिया। दामाद जी भी ससुराल में बेवजह हस्तक्षेप करने से बसने लगे। दोस्तों, बहू अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल को पूरे दिल से अपनाती हैं, उसके प्रति पराया व्यवहार ना करें।